भारत में कोरोना की महामारी फैलाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है। देश विरोधी तत्व संकट की घड़ी में भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। ये कोरोना आतंकी भारत के सीमावर्ती नेपाल की कई मस्जिदों में छिपे बैठे हैं। इनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क है। भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। नेपाल के जालिम मुखिया के नापाक इरादे, बिहार के रास्ते भारत में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश, एसएसपी की बेतिया प्रशासन को चिट्ठी से साजिश का खुलासा, कोरोना फैलाने के लिए घुसपैठ की कोशिश में 40 से 50 संक्रमित, कोरोना के जाल में फंसी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। दूरियों के जरिए कोरोना वायरस पास नहीं आने देने की कोशिश है, लेकिन इन सब के बीच भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रची जा रही है। भारत में कोरोना वायरस फैलाने के लिए नेपाल के रास्ते, बिहार में कोरोना संक्रमितों की घुसपैठ कराने के प्लान का पर्दाफाश हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी को मिली खुफिया सूचना के मुताबिक नेपाल के खैरवा और चंदनबारा मदरसा और मस्जिदों में लगभग 200 लोग मौजूद हैं, जिनमें 6 से 7 पाकिस्तानी नागरिक हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 50 लोग पैरासिटामोल खा रहे हैं और उनका टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसे में वो कोविड-19 के पॉजिटिव हो सकते हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक नेपाल के जगन्नाथपुर गांव पालिका का मेयर सालिम मुखिया ने सभी को रखा है और इनमें से कोरोना संक्रमितों को भारत में प्रवेश करवाने की फिराक में है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित नेपाल के मदरसों में रह रहे लोगों से भारत में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। जी न्यूज के पास इस वक्त एसएसपी की लिखी हुई चिट्ठी की वो कॉपी है, जिसमें एसएसपी ने वेस्ट चंपारण के एसपी और डीएम को चिट्ठी लिख करके आगाह किया है कि नेपाल में रह रहा जालिम मुखिया नाम का एक शख्स करीब 250 लोगों के साथ भारत में घुसपैठ कराने की बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जालिम मुखिया का मकसद भारत में इसके जरिए कोरोना वायरस फैलाना है। देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जालिम मुखिया ने अपने साथ रह रहे लोगों को पैरासिटामोल टैबलेट देने का भी फैसला किया है, जिसकी वजह से वो घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा दे सके और बड़ी आसानी से भारत की सीमा में घुसपैठ कर सके। एसएसबी की इस रिपोर्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने काफी मुस्तैदी बढ़ा दी है और भारत नेपाल सीमा से सके सारे इलाकों में निगरानी को बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि चोरी छुपे लोग भारत की सीमा में दाखिल ना हो सके। एसएसपी की सूचना के बाद पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने बेतिया के एसपी को अलर्ट किया है। डीएम ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर कड़ाई से निगरानी करें। डीएम के आदेश के बाद बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, साथ ही भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस भी मुस्तैद है। हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। एसएसबी के इंटेलिजेंस विंग ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसने बेतिया के डीएमएसपी को ये कहा था कि नेपाल साइड से 50 ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो कोरोना के मरीज हो सकते हैं या कोरोना कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसी समय सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सालिम मुखिया सालिम मियां के नाम से भी जाना जाता है। वो हथियार तस्करी, लकड़ी तस्करी, तेल का कारोबार, गिट्टी बालू के कारोबार से जुड़ा है। नेपाल में उसकी अच्छी पकड़ है। इलाके में मदरसा और मस्जिद उसने बना रखे हैं। उसके डर से इलाके में कोई कुछ नहीं बोलता है और अब वो भारत में अपने नापाक इरादे के जरिए वायरस फैलाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हालांकि खुद जालिम मुखिया ने भारत में कोरोना फैलाने की बातों से इनकार किया है। उसने कहा है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है और उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। मित्रता के एगो संबंध बा, हमने के बेटी रोटी के भी संबंध बा, ऐसन जालिम मियां साजिश करे के का कारण? चाइना में वायरस फैल से जालिम मियां फैलौले, अमेरिका में वायरस बा, इटली में वायरस बा, फ्रांस में वायरस बा, एशिया अफ्रीका सारा देश में ही बा, जालिम मियां फैलौल बने। ऐसे एतही के कुछ राजनीतिक व्यक्ति बा कि चाह रहल बा कि हमने के भारत नेपाल में ऐसा संकट काल में अपन हम गोईठी से की राजनीतिक चरित्र हत्या करी, हम एगो स्थानीय सरकार बानी, हम यहाँ के मेयर बानी, ऐसा साजिश अपनाई है हम 200 वोल्टियर राख के प्रशासन के बॉर्डर पर तंदेह को के इंडिया से कोऑर्डिनेशन बना के होते के एसएसपी से इस सारा चीज हम रुकवा रहल बनी। हमनी के साजिश जो कर रहल बा ओकरा के पता लगा के गवर्नमेंट में भी हम लिख दल बनी, गृह मंत्रालय में भी हम अपन मैंने एसएमएस कर देनी, हम सरकार के प्रमुख लग भी कर देनी, हम सीडीओ से कोऑर्डिनेशन कर लेनी, हम अपना खजना एसपी से कोऑर्डिनेशन कर लेनी कि ऐसा चलित हत्या करे वाला तत्व के पकड़ के एक पर कार्रवाई होखो, ये हमार दावा बा। कही हमार समलंगता बात है अगर सजाए कर खातिर चैलेंज देता नहीं कि जहां भी ऐसा होके हमारा कहीं समलंगता होके वो हम सजाए सुनाए के तैयार बनी, लेकिन ए व्यक्ति के साजिश करे वाला के राजनीतिक चलित और हत्या करके ये हर